गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम भंडारदरा, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग। अब तो कैसे आप सब लोग, भारी अपुन भी लग भारी। तो अभी जी हम निकल रहे हैं यहाँ से मुंबई के लिए, आज जाएंगे घर को हम। और ये देखो जी, अपना सेटअप पूरा हो गया, यहाँ पे अपना पार्टनर भी रेडी है, यहाँ पे अनामिका भी रेडी है, और यहाँ पे जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमारे टूरिंग लाइफ फैमिली के मेंबर आए थे हमसे मिलने के लिए पुणे से। ये उनका एरोक्स है ब्लू वाला, और ये एंटॉप। तो चलो जी ब्रेकफास्ट करते हैं, आ गया है, जाने के लिए लेट हो जाएगा। आज संडे है, ब्रेकफास्ट में है अंडा भुर्जी और कांदे पोहे। तो ब्रेकफास्ट करके अभी हो गया है, अभी हम निकल रहे हैं। और जब मैं कोंकण कोस्टल राइड पे था, रिटर्न आने का टाइम पे नाइट में राइड कर रहा था महा टू मुंबई में, मैंने जैसा बताया था बहुत ही बैंड बच चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाले गड्ढे। तो वो टाइम पे क्या हुआ था, मेरा जो फॉग लाइट है वो भी काम नहीं कर रहा था। तो जहाँ से मैंने ये फॉग लाइट लिया था, सनशाइन गियर जो है ठाणे में, उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा, फिर कॉन्टैक्ट किया कि आप आ जाओ लाइट का हम करेंगे। तो क्या है ना, थोड़ा सा पानी जाने की वजह से वो लाइट में दिक्कत हो गया था, उसको साफ़ कर दिया WD-40 जो है ना, उसने पूरा काम कर दिया। तो अभी जो है वो स्विच जो है ना, वो यहाँ पे लगाया था ना, तो वो बार बार ख़राब ही हो गया था, तो वो फिर से लगा के कोई मतलब नहीं था। तो क्या किया उन्होंने, मुझे ये वाला दिया स्विच, वाटरप्रूफ वाला, ये देखो जी, ये वाइट, इसको नीचे करेगा तो ये आ गया येल्लो। तो थैंक यू सनशाइन गियर आपने हमारा गाड़ी का काम करने के लिए। गणपति बाप्पा मोरिया, ओम साई राम। तो वसंत सुत होटल को कहते हैं अलविदा और निकल पड़ते हैं मुंबई की ओर। बहुत ही बढ़िया होटल है, खाना तो एक नंबर यार, और आसपास में घूमने के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। बस कैंपिंग अगर करना है तो आपको सितंबर से आना पड़ेगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी आप कभी भी आ सकते हो। तो कैंपिंग का मज़ा हमको भी लेना है, नेक्स्ट टाइम फिर से हम आएंगे तभी कैंपिंग करेंगे। शूज़ मज़ा स्लिप होते हैं। यो थैंक यू। तो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा होगा वाटरफॉल गए थे हम, अमृतेश्वर टेंपल गए थे, पर भंडारदरा डैम नहीं आए थे। तो ये देखो जी भंडारदरा डैम, यहाँ से हमारा होटल जो है वो 1 किलोमीटर भी है, बोटिंग भी हो रहा है वहाँ पे। ये आ गया शेंडी गांव, यहाँ पे आपको स्टे के लिए ऑप्शन बहुत सारे है। इस कार को ओवरटेक करके आगे जाना ही पड़ेगा, ये क्या हो रहा है ना, ये धूल मिट्टी पूरा उड़ रहा है ना, इससे अच्छा आगे रहेंगे वही सही है। 146 किलोमीटर का राइड करना है आज। कल एक अच्छा हो गया, जब मैं एक्सप्लोर करने गया था ना, वो टाइम पे बगीरा को लेके गया था, पार्टनर को होटल में रखा था, क्योंकि क्या है ना, मुझे पता था पहले से कि रोड वहाँ पे बहुत ही ख़राब है, और पार्टनर का एक तो पहले से ही ये बहुत बज रहा है, और वो रोड पे अगर लेकर जाता ना तो और कुछ तो सीन हो जाता। आज पार्टनर के 59,000 किलोमीटर हो जाएंगे और बगीरा के 24,000 होने के लिए आ गए। 59,000 किलोमीटर 24,000, देख लो कितना होता है, जितना भी होता है उतना किलोमीटर का राइड हुआ है इन 2.5 साल में, और आगे तो और बहुत सारा होने वाला है। ये आ गया जी बावली वाटरफॉल, बगीरा का पेट्रोल खत्म होने आ गया, गाड़ी झटका दे रहा है। अभी सीन कैसा है ना, भंडारदरा में आप आओगे ना, जैसे आप इगतपुरी से अंदर आओगे तो पेट्रोल पंप यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जैसा अगर आप यहाँ से आगे से घोटी वाले रूट पे बाहर निकलोगे तो बस नासिक हवे पे पेट्रोल पंप मिलेगा। बस यार 1 किलोमीटर बस बचा है, वो देखो सामने वहाँ पे नासिक हवे दिख रहा है, और जैसे लेफ्ट मारेंगे ना वैसा ही आगे ही एक पेट्रोल पंप है। ये आगे जी नासिक हवे पे, थोड़ा ही बस कुछ मीटर पे ही पेट्रोल पंप है। अभी हो गया जी सबसे बड़ा सीन, पेट्रोल पंप तो मिल गया पर यह पेट्रोल पंप है बंद। अभी आगे कितने किलोमीटर पे वो कुछ पता नहीं है, ये मुझे नज़दीक का पता था, अभी बगीरा को टो करके लेके जाना पड़ेगा। पिछला जो पेट्रोल पंप था वहाँ से 3 किलोमीटर हमको टो करके लेकर आना पड़ा, अब जगह पेट्रोल पंप मिला है, फुल करना भैया, दे दो हमारे बगीरा को उसका अन्न दे दो।
विश्वनाथ भाऊ का एंटॉक लिया है मैंने राइड करने के लिए, थोड़ा टॉप स्पीड भी टेस्ट करते हैं इसका। वैसा तो 105 तक जाता है, ये तो मैंने देखा है वीडियो में, लास्ट जा रहा है 90, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। अभी कसारा घाट में हूँ, ये जो व्यू है ना यहाँ का, ये देखने को मज़ा आता है यार। अभी सब राइडर पीछे, हमारे फैमिली मेम्बर है नीलेश जी, ये पहली बार ही आ रहे कसारा घाट से, तो इनके लिए खास करके रुके थे। अभी ये क्या करने वाले हैं, विश्वनाथ भाई जो है इनके साथ में शाहपुर से ये अंदर जाएंगे करजत की ओर, ये जाएंगे करजत, वो जाएंगे पुणे। तो चलो निकलते हैं, आगे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अभी, एक टी हो जाए। तू कुछ ज़्यादा ही भगा रहा है, तू कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा है, चल चल तू एक्टिवा ले ले, दे दे बगीरा दे दे, चल चल। विश्वनाथ भाऊ थैंक यू एंटॉक देने के लिए, पर ये ले लो आपका चाबी, और मुझे चलाना नहीं है, 70-80 के स्पीड पे हूँ अभी, आगे को हॉर्न देना, हॉर्न बज रहा है, हॉर्न ही नहीं बज रहा है। कितनी बार ट्राई कर रहा हूँ, अभी गाड़ी चिल्लाएगा नहीं तो सामने में पता कैसे चलेगा ना क्या आ रहा है कोई पीछे से, बस मुँह से चिल्लाने का। अभी और जगह से भी चिल्लाएगा तो भी आवाज़ नहीं जाएगा। ले लद्दाख राइड पे मुझे निकलना था, वो टाइम पे आपको पता होगा मेरे जो पीछे का टायर है वहाँ पे पास पंचर निकला था, तो मुझे न्यू टायर चाहिए था पर कहीं पे भी अवेलेबल नहीं था। और अभी कैसा ना एरोक्स में टायर जो है वो बाहर का लग के आ रहा था, ओंकार भाई का जो एरोक्स है ना इसमें सियाट का टायर आ गया है। तो अभी देखो, पहले ये देख लो, दोनों साइड में सियाट का टायर आ गया है, तो अभी अपने इंडिया में कहीं पे भी टायर मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। एक टाइम था टायर के लिए इतना रोना पड़ रहा था, अभी कोई टेंशन नहीं। चाय पी के तो हो गया, अभी यहाँ से तो नॉन स्टॉप अभी घर ही जाना है, फिर बीच में कोई भी ब्रेक नहीं लेना। तो सबसे पूछ लेते कि कैसा था राइड, थोड़ा थोड़ा कहना, वीडियो लंबा नहीं बनाना भाई। मेरे को तो घर जाने का मूड ही नहीं, अभी जैसे रिटर्न जाऊँगा। ओके, मतलब रिटर्न जाने का दिल कर रहा है तेरा। ओके ठीक है, तेरे को राइड कैसा था वो भी बताना है, और एरोक्स चला के कैसा लगा वो भी बताना। राइड तो बहुत अच्छा था, उधर स्टे पूरा गांव जैसा फील, और एरोक्स के वाले में बोलूँ तो एरोक्स चलाने में पावर मजा आता है, पिकअप इतना है ना तगड़ा, क्या बोलूँ यार, कुछ भी मत बोला। बहुत अच्छा राइड था, हाँ मैंने उनका एरोक्स भी चलाया, कंफर्टेबल गाड़ी पूरा मस्त एकदम, बहुत अच्छा लगा राइड का भी एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और हमारे टूरिंग लाइफ फैमिली के मेंबर नीलेश भाई जो कि पूना से आए थे हमको मिलने के लिए, उनसे ही पूछ लेते हैं कि कैसा रहा। अभी वो खास करके तो हमारे साथ राइड करने इसके लिए ये वाले रूट से आ गए, नहीं तो उनको भंडारदरा से पुणे के लिए भी एक अलग से रूट था। टूरिंग लाइफ फैमिली के साथ फुल पावर। तो सवारी हमारी निकल पड़ी है फिर से, अरे बाप रे चार्ज हो गया उनका। थाने यहाँ से 80 किलोमीटर है, अभी तो पड़गा टोल नाका तक तो ठीक है, वह पड़गा टोल नाका के आगे है ना भिवंडी जैसा आएगा, वैसा बहुत ही गंदा वाला ट्रैफिक मिलने वाला है। और हमारे एरोक्स वाले राइडर सुनने रहे, हमारा एक्टिव है तो भी हम नहीं सुन रहे। आ गया यार, समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ क्या है, है? यहाँ से गाड़ी रिटर्न जा रहा है, कोई किसी ने गाड़ी ऐसा लगा है। ये क्या हुआ है, कुटे सब बोल रहे थे एक्सीडेंट हो गया है कहीं पे, पर कहाँ पे हुआ था वो तो दिखाया नहीं, अभी वो लेन में होता कि ये लेन में क्या पता। अरे बाप रे, ये देखो शायद से ये ट्रक से वो हिस्सा ही निकल गया उसका। शाहपुर यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो दो राइडर जो है वो अभी निकल जाएंगे शाहपुर से, फिर हम 3 बज जाएंगे। चला भाऊ बेटा नीट जावा, हाँ सेफ राइड, फोन करा पूछ लाओ। चला नीलेश भाऊ आराम में जावा, फ़ोन करा पूछ लगी। इतने फैमिली मेंबर मिल गए भाई, कौन कौन वाला ब्लॉग आपका आधा नहीं गया। हाँ हाँ समझ गए समझ गए,
क्या बोले भाई, मतलब क्या ही बोलो, मेरा फर्स्ट टाइम में किसी व्लॉगर से मिला भाई। मौसमी है भाई, कैसे हो भाई? मैं मस्त, आप बताओ। अरे क्या हो आपके, आपको? हाँ वो थोड़ा राइड कर कर गया यार, व्लॉगर है टूरिंग लाइफ, इनका वीडियो बहुत देखा मैं, लद्दाख स्पीति वगैरह बहुत देखा मैंने। चलो फिर मिलते हैं सुबह, बाय, राइड सेफ। ये आ गया जी पड़गा टोल प्लाजा, थाने यहाँ से 31 किलोमीटर, पार्टनर के बाजू 59,000 किलोमीटर हो गए हैं और बगीरा के 24,000 हो गए। क्या बात है यार, बहुत ट्रैवल किया है ये ढाई साल में, अभी और बहुत करना है, बहुत, पर बहुत करने के लिए ना ये भी बहुत चाहिए। तो ये देखो जी, मैंने कहा था ना भिवंडी के जैसे पास में आएंगे वैसा ट्रैफिक लगना चालू हो गया। 6 किलोमीटर का पूरा ट्रैफिक था और ये जो लेफ्ट साइड से ये जो जगह है ना, यहाँ से भी गाड़ी निकालने के लिए इतना दिक्कत हो रहा था क्योंकि ये पूरा ऐसा ऐसा रोड था, बड़े बड़े गड्ढे था, अभी पूरा पेट में दर्द कर रहा है। चलो अभी अपना घर भी आ गया, बस 1.5 किलोमीटर यहाँ से। तो फाइनली भाइयों हम आ गए घर पे, अभी जीतू का जो लगेज है वो निकल के, वो निकल जाएगा ट्रेन से, उसको बोल रहा हूँ मैं लेके जाना पार्टनर को, पर वो अभी बिजी होने वाले कल से, जॉब पे लग गया तो रिटर्न आने का टाइम नहीं मिलेगा उसको, इस वजह से नहीं बोल रहा। अभी ट्रेन से जा और मिक्की माउस हेलमेट से जो भी फोटो खींचेगा ना, उन सबसे 200-200 रुपये ले, मस्त कमाई करेगा तो मुंबई जाने तक। तो कियान से मिलने के लिए आ गए ऊपर दोनों भी चाचा। कियान, हे कियान, कियान को ये देखो ये चाहिए, क्यों क्यों गे गे ए, देखो फैन बंद हो गया ना तो ऊपर देख रहे, देखो फैन बंद जाला, क्यों फैन बंद जाला,